2024 में बीमारियां फैलेंगे क्या? बोल रहे हैं कि 2024 में बीमारियां फैलेंगे क्या? हाँ सर, फैलना चालू हो जाएगा, मतलब कोरोना के जैसा और भी उससे ज्यादा होगा, सभी से चालू होगा। अच्छा। रहेगा 27-28 तक। तो एक्चुअली एक सवाल यहाँ पे आता है कि किसी भाई ने सवाल किया था, तो फिर एक्चुअली में कोई बीमारी आएगा या फिर एक प्रोपेगेंडा के तहत ये फैलाया जाएगा या फिर कैसे होगा? मतलब नहीं, आपका क्या मानना? बीमारी आएगा, बीमारी एक्चुअली में आएगा, उसमें कुछ मैन मेड है, ओके, कुछ नेचर मेड है। अच्छा, लेकिन वो स्प्रेड हो जाएगा, 26 से चालू होगा, 28 तक रहेगा। 26-27 ये दो साल मैक्सिमम होगा, रहेगा वो। क्या युद्ध में भारत गुप्त हथियार यूज करेगा? ये वार का पोजीशन के ऊपर, अगर कोई हमको अटैक करे न्यूक्लियर बम से, हम जरूर करेंगे, लेकिन इंडिया का पोजीशन ये है, इंडिया बोलता है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। इंडिया जो है पहले किसी के ऊपर बाहर नहीं करेगा, अगर भारत को कोई अटैक करेगा तो उसको मिलेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से इंडिया के ऊपर भी होगा, इंडिया भी करेगा। बांग्लादेश में क्या होगा? बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने, सबको मालूम है क्या होगा, लेकिन बोलना ठीक नहीं होगा। नहीं, बताइए। देखिए, एक बात बोल देता हूँ, भाई 29 अगस्त अखंड भारत विल बी देयर, सो आप सोच लीजिए क्या होगा बाय 2029 अखंड भारत हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, लाइव तो पहले ही बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, अखंड भारत इज मस्ट। तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा और डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अच्छा, मतलब जो 6 साल 6 महीने का जो टाइम है और उसका जो अंतिम टाइम वो कहता है कि 2029। अब उस टाइम देखिए, बांग्लादेश इनिशियली इफ देयर इज नो चेंज ऑफ गवर्नमेंट, इनिशियली विल एक्ट एज ए फ्रेंड टू इंडिया। अच्छा, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया, मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि आपका प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे वही हसीना बेगम जी की क्वेश्चन भी था, उसका लाइफ का पर अटैक हो सकता है। हाँ, मैं पहले बोल दिया था उसको। अच्छा अच्छा, तो इफ एवरीथिंग गोज ऑल राइट देन बांग्लादेश विल लिव एज ए फ्रेंड थ्रू आउट विथ इंडिया। क्या भारत के चार धाम समाप्त हो जाएंगे या रहेंगे? देखिए, बालिका के बहुत सारे जो ग्रंथ है इसमें केवल जगन्नाथ धाम के ऊपर लिखा गया है बिल्कुल नहीं, चारों धाम के बारे में भी लिखा गया है। जो हमारा चार धाम है, बद्रीनाथ धाम, द्वारकानाथ धाम, यहाँ पे आ गया हमारा जगन्नाथ धाम और नीचे है आपका, तो ये जो चार धाम हैं तो वो एक्चुअली में मालिका में लिखा है वो ख़त्म हो जाएंगे और सभी कलयुग में अंतिम कालखंड में ऐसा ही हुआ है। ये सही है या आप? बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें है क्या है, एक ही चीज़ है, बद्री धाम ड्यू टू भूकंप हो या कोई दूसरा रीजन हो, भूस्खलन हो, कुछ भी हो, ओ जमीन नीचे चल जाएंगे। अच्छा, दब जाएगा, मतलब दब जाएगा वो जमीन के नीचे। बाकी जो तीनों धाम है, पूरी धाम हो गया, तब द्वारका हो गया या आपका ये रामनाथ धाम हो गया और ये आपका रामेश्वरम रामनाथ धाम है ना जी, ओ तीनों समुद्र में डूब जाएंगे, तीनों जो है समुद्र में डूब जाएंगे इंक्लूडिंग जगन्नाथ धाम भी। ओके, क्या सारे दुनिया हिंदू बन जाएगा? क्या सारी दुनिया हिंदू बन जाएगा? देखिए, एक चीज मैं बोल देता हूँ, ये हिंदू वर्ड जो हम बोल रहे हैं अभी जी, दैट विल कन्वर्टेड इन टू हिंदू सनातन धर्म। अच्छा, और सबके लिए सनातन धर्म जी, दैट विल बी द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, वही होगा, सारा विश्व का धर्म होगा, सारा विश्व उसको मानेंगे। 111 देश जो बच जाएगा वही लोग सनातन धर्म के जाओगे ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई द्वारा नहीं। तो एक्चुअली मालिका में लिखा है जो भी, जो कि उड़िया में लिखा है, सनातन धर्म स्थापिल बोल धर्म ध्वजा उड़ाइब,
ये लिखा है मालिका में। इसका मतलब यही हुआ कि सनातन धर्म का स्थापना होगा पूरा विश्व में और सनातन का ध्वजा उड़ेगा बिल्कुल विश्व स्तर में, विश्व पटल पर। और इसका और ये भी लिखा है कि विश्व में जितने भी सारे देश हैं, छोटे और बड़े देश मिला के 111 देश, वो सनातन धर्म को अपनाएंगे और भविष्य मालिका को भी मान्यता देंगे, ये लिखा है। तो मतलब ये कब होगा, फिर आने वाला समय ही बता पाएगा ये कब होगा कि मीन शनि का जो योग बन रहा है कि 2024 में होगा या फिर 2025 में होगा। क्या मीन शनि का योग? मीन शनि का योग भाई मेरे हिसाब से तो 25 है जी, क्योंकि लास्ट मीन शनि योग आया था 95 में, उसका 30 साल बाद आने का है 2025 में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं 2024 में होगा, अगर ये मीन ये शनिश्चर बकरगति करके आगे चले जाएंगे तो हो सकता है। अच्छा, बकरगति करके आगे निकल जाएंगे फिर वापस आएंगे? वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे। और वो टाइम बैठ रहा है 2025 को, है ना, 2025 मार्च। अकॉर्डिंग टू मालिका, व्हाट इज एज ऑफ कलयुग फ्रॉम कोलकाता? कोलकाता से पूछ रहे हैं कि बोले कि मालिका के हिसाब से कलयुग का 5000 ईयर्स। 5000 ईयर्स और उसके बाद कंप्लीटली डिटेल दिया है मालिका में, बहुत से ग्रंथ में लिखा हुआ है अभी मालिका का। तो ये 5000 साल ही है कलयुग का आयु, लोग बोलते हैं 432,000 वर्ष। उसमें से अच्युत जी ये है, अच्युत जी कि कौन कौन सा पाप के लिए कितना कितना साल घटेगा जी। तो उस हिसाब से जो टोटल हिसाब दिया है उसमें से 427,000 साल चला जाएगा, सिर्फ 5 साल ही बचेगा। अच्छा, बिहार देखिए, बंगाल और बिहार ये दोनों जगह, ये दोनों और उसके साथ यूपी, ये तीनों जो स्टेट्स है यहाँ से बहुत सा उत्पाद होगा। अच्छा, लाइट्स होगा बहुत, बिहार आपका बंगाल, बिहार और यूपी, यूपी लाइट्स बहुत होगा, लाइट्स चालू हो जाएगा आपका 24 से। यस, तो यहाँ पे वही बात है कि 2024 के चलते पूरा स्टेट में पहले का ऐसा नहीं, धीरे धीरे लेकिन होगा। अच्छा, और ये बढ़े बढ़ता रहेगा, बीज जो है बोया जाएगा और वहाँ से स्प्रेड होगा, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा ये दोनों स्टेट, इन लोग बहुत बड़ा रोल रहेगा उन लोगों के लिए। दे विल फाइट विद द एनिमी लाइक एनी थिंग, विल प्रोटेक्ट सोर्स से प्रोटेक्ट इंडिया, ये दो स्टेट पंजाब एंड हरियाणा। लेकिन बात है बिकॉज 13 मुस्लिम कंट्रीज विल अटैक अलॉन्ग विद चाइना, इन लोग जो उनको रोकने की कोशिश करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन जो एनिमी है उनको मालूम पड़ जाएगा, उनको ठीक ठाक खेती पहुंचाएंगे, उसको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ डेंजर है, कि यहाँ पे मतलब ज्यादा दिन तक दीज टू स्टेट्स आर सेवियर्स ऑफ इंडिया। इतिहास साक्षी है, जब जब भारत पर कोई हमला किया है तो इन लोगों ने जवाब दिए हैं, खड़ा हो गया ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग को सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ मैं। सही बात है, चाइना ताइवान फाइट, इतना ही बस लिखे हैं। तो शायद वो जानना चाहते हैं कि चाइना ताइवान फाइट ये होगा, अगर होगा तो कब तक होगा? होगा तो जरूर, ये तो मालिका में लिखा नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन है। मेरे हिसाब से चाइना विल अटैक ताइवान आफ्टर यूक्रेन इज डिफीटेड बाय रशिया, रशिया फ्री होना चाहिए यूक्रेन से। अच्छा, तब जाके चाइना अटैक करेगा, मेरा कैलकुलेशन है, आगे कर सकता है उसका माई माइंड और कहीं लिखा नहीं है, कहीं पढ़ के हम बता देगा। जी 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 जी, तो एज पर माई कैलकुलेशन चाइना विल अटैक ताइवान ओनली आफ्टर रशिया डिफीट्स यूक्रेन और डिस्ट्रॉय इट, जो भी हो जाए। रशिया फ्री होगा, चाइना अटैक करेगा। अच्छा, तो जैसे कि मालिका में लिखा है कि महाभारत के एक हिस्से का जो अंतिम हिस्से का जो युद्ध वो बाकी है अब, और वो
कलयुग की अंतिम कालखंड में होगा। तो अभी जैसे कि मतलब तीसरे विश्वयुद्ध की मतलब शुरुआत वो हम कह सकते हैं, तो इस दौरान जो है पांच फ्रंट जो है खुल जाएंगे युद्ध के। तो युद्ध तो ऐसा नहीं कि एक दिन से मतलब आरंभ हो जाएगा, तो असल में पहले पहले जो है स्थिति बिगड़ेगा, फिर सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की एनिमी बन जाएंगे और वहीं से जो है विश्व तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। तो एक फ्रंट यह है रशिया और यूक्रेन, दूसरा फ्रंट यह है कि आपका इसराइल और हमास फिलिस्टीन, तीसरा जो है वो है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, चौथा जो है वो है आपका चाइना और ताइवान, और पांचवा जो है और वो है इंडिया और पाकिस्तान, या फिर इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों। तो ये जो है पांच फ्रंट जब खुल जाएंगे तब आप ये समझ जाइए कि ये जो युद्ध की शंखनाद शुरुआत हो गया है। इसमें और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जी बताइए। एज पर द डिटेल्स ऑफ मलिका मैक्सिमम बाई मार्च 2025, मैं अपना 24 मैक्सिमम बाई मार्च 25 जी न्यूज जो आने के टाइम में चाइना विल अटैक इंडिया 25 मार्च अप्रैल तक चाइना विल अटैक इंडिया। तो उसमें मेरे ख्याल से उसके पहले हो सकता है खुल जा सकता है आपका ताइवान के फ्रंट खुल सकता है 24 में।